आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्कूली बच्चे भी स्कूलों में पूरे धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। बच्चे इस बात पर झूम रहे हैं कि आज के दिन देश प्रभु सत्ता संपन्न हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे प्यारे देश का संविधान लागू हुआ। इसी खुशी में बच्चों ने कई तरह के नृत्य किए, कविताएं और गीत गाए, साथ ही देशभक्ति के नाटकों का भी मंचन। स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने पूरी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मंच पर कविताएं, गीत और डांस से सभी का मन मोह लिया। छोटे छोटे बच्चों के ये बड़े बड़े कर्तव्य देखकर अभिभावक भी अभिभूत थे। तिरंगा यात्रा है, साइकिल द्वारा है और बच्चों से साथ निकाल रहे हैं हम लोग, और हम लोग करीब 15 गांव में यात्रा निकालेंगे। आज हमारा देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव दिख रहा है, तो हम जन जन में जाकर, गांव गांव में जाकर अपने राष्ट्रीय भावना को जगा रहे हैं और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को एक एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं और अपनी राष्ट्रभक्ति और अपने तिरंगे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रति, हमारे तिरंगे के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और हम लोग उनका निर्वहन करें। हम सब लोग जागृत हो जाएं, सुप्त अवस्था में न रहें, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा आराम से पढ़ लिख सके और इस संविधान के, देश के कानून को समझ सके, और समझ तभी सकेगा जबकि वो पढ़ सकेगा। तो हम जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, ये एक तिरंगा जागरूकता रैली है ताकि सभी बच्चे ये कितने गांव का भ्रमण करेगी और कितने बच्चे हैं आपके साथ इस टोली में? इसमें लगभग 300 बच्चे हैं और हम 11 गांव का भ्रमण कर रहे हैं। जय गोरी माता की, जय गोरी माता की, जय।